बनासकांठा जिल्लाना धानेरा तालुकामां अंग्रेजी माध्यममां 12 सायन्सना परिणाममां धानेरानो प्रथम सोनी प्रथम आवता आजे सोनी परिवारनी खुशीनो पार रह्यो न हतो। धानेरानी रॉयल इंग्लिश मीडियम स्कूल खाते अभ्यास करतो प्रथम सोनी धानेरा तालुकामां प्रथम नंबर मेळवी परिवार अने शाळानुं मान वधार्युं हतुं। त्यारे आजे वर्ष 2020ना धोरण 12 सायन्स अंग्रेजी माध्यमना परिणाममां 87% साथे प्रथम सोनीए बाजी मारी छे અને દિવસના કલાકોની મહેનત અને પરિશ્રમનું પરિણામ આજે જાહેર થતાં પરિણામના પ્રથમ આંકમાં પણ પ્રથમનું નામ આવતા પરિવારના સભ્યોએ કોરોના મહામારી હોવાથી પોતાના ઘરમાં જ ગોળ ખવડાવી પુત્રને વધાવી લીધો હતો। પ્રથમ સોનીએ પણ પરિણામનો શ્રેય શાળા પરિવાર શિક્ષકો તેમજ પોતાના માતા પિતાને આપી આગામી અભ્યાસમાં કોવિડ-19 જેવા ગંભીર રોગના નિદાન માટે જવાનું કહી રહ્યા છે। ધાનેરા તાલુકામાં અંગ્રેજી માધ્યમની 3 સાયન્સ શાળા છે, ત્યારે ગુજરાતી માધ્યમની 4 શાળાઓ સાયન્સની છે। આ વર્ષે 12 સાયન્સમાં કુલ 392 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાં 297 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા અને ધાનેરા તાલુકાનું 12 સાયન્સનું કુલ પરિણામ 75.77% નોંધાયું છે। તમારું રિઝલ્ટ કેટલું છે? આજે રિઝલ્ટ ડિક્લેર હુઆ સુબહ મોર્નિંગમાં, તો ઓનલાઈન મેને દેખા ઓર મેરે 87.3% થે, ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 450 મેં સે 393 માર્ક્સ હે। એસે એક્સપેક્ટેશન સે કમ આયા, બટ मेरी एक्सपेक्टेशन 90 प्लस थी, बट 87.3 से, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मुझे आई एम सेटिस्फाई विद दैट। सेटिस्फाई होना पड़ेगा क्योंकि नीट की प्रिपरेशन अलग होती है और बोर्ड की प्रिपरेशन अलग होती है। सो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मेरे 3-4% कम हुए हैं, बट बी सेटिस्फाइड विद दैट एंड गोइंग अहेड फॉर द नीट, फोकसिंग ऑन नीट। सो सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय जो मेरे बोर्ड में मार्क्स आए 87.3%, इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरे स्कूल को, मेरे पेरेंट्स को जो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मेरे हर मतलब टाइम वेस्ट होने से बचाया, उनको मैं सपोर्ट है, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। नेक्स्टली मैं मेरे रॉयल स्कूल के टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को इतनी हेल्प की। कोई भी डाउट सेशन हो या उन्होंने कुछ ऐसा रखा नहीं कि बाद में बोल देना या नाराज़ हो गए, ऐसा कुछ किया नहीं। एंड देन आई थैंकफुल टू सपोर्ट, मुझे फ्रेंड्स भी अच्छे मिले सपोर्टिव, जो कोई भी डाउट वगैरह हो तो अच्छे से क्लियर करवा लेते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं थैंकफुल हूँ हमारे MD सर को, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हर सिचुएशन में। उन्होंने मेरी हेल्प की है, मोटिवेट किया, नर्वसनेस से बाहर निकाला, तो मैं MD सर को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड लास्टली थैंक यू टू माई ऑल रॉयल फैमिली वो ऑलवेज सपोर्ट मी फ्रॉम जूनियर टू सीनियर्स टू ऑल एक्सटूडेंट्स। क्या बनना चाहते हो आप, किस फील्ड में जाओगे? एक्चुअली 10th के बाद मैंने सिलेक्ट किया है साइंस, क्योंकि अभी जैसे कि हम कंडीशन देख रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है ऑल ग्लोबली, ये बहुत बड़ी महामारी है। इससे आज पूरे एक छोटे से बायोलॉजिकल वर्ल्ड ने वायरस पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब कर दिया है। सो ये सबको देख कर सी, पैसे वगैरह वो सब ठीक है, सब पैसा भी ज़रूरी है ऐसा नहीं है, बट पैसे से इम्पोर्टेंट है लाइफ बचाना। सो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बचा पाऊँ, लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ताकि वो अच्छी लाइफ जी पाए, सेटिस्फाइड लाइफ जी पाए। और मनी वगैरह वो अलग थिंग है, दूसरों की दुआ मिलती वो आई थिंक सबसे बड़ी बात है। तो ये फील्ड इसलिए मैंने चूज़ किया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, गरीबों की हेल्प कर पाऊँ वगैरह। सो दैट्स व्हाई आई सेलेक्ट द साइंस फॉर MBBS।